Assalamu alaikum, student. This is Atif Ishaq and this is our first video in the Laravel. आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लारावेल की इंस्टॉलेशन के ऊपर, उसकी डाउनलोडिंग के ऊपर बात करेंगे कि लारावेल है क्या और उसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम अपना पहला व्यू किस तरीके से लिख सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लारावेल। लारावेल एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है जो कि बेस करता है एमवीसी के ऊपर, और एमवीसी स्टैंड करता है मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। ये एक एप्लीकेशन पैटर्न है जो कि बहुत ज़्यादा और बहुत ही फ्रिक्वेंटली मार्केट के अंदर इस वक्त यूज़ हो रहा है, और इसका बुनियादी काम यह है कि ये बिजनेस लॉजिक को और प्रेजेंटेशन लेयर को एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो सबसे पहली बात यह है कि लारावेल आसान है या मुश्किल है। ये क्वेश्चन जो है ये जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। लारावेल बिल्कुल रेडीमेड केक नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको HTML और कोर PHP का आइडिया है तो आप लारावेल को बहुत आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब बात यह है कि व्हाई वी आर यूजिंग लारावेल, तो लारावेल के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो लारावेल जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस, इन अ सेंस कि जो एप्लीकेशंस हम लारावेल को यूज़ करते हुए डेवलप करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल होती है, उसका जो डेवलपमेंट टाइम है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं जो कि दूसरे फ्रेमवर्क से बोरोड हैं, लिहाजा आपको एक रीयूजबिलिटी का फैक्टर इसके अंदर नज़र आता है। इसके अलावा हम इसके अंदर नेम स्पेस को यूज़ कर देते हैं और इंटरफेस को यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए और अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए। अगली चीज जो हमने डिस्कस करनी है कि इस लारावेल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो लारावेल के लिए जो सबसे पहली चीज हमें चाहिए वो है एक कंपोजर। कंपोजर जो है वो एक PHP का डिपेंडेंसी पैकेज मैनेजर है जो कि अपने अंदर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसीज और लाइब्रेरीज को इंक्लूड करता है, और अगर आप अपने सोर्स फोल्डर को खोलेंगे तो उसके अंदर आपको composer.json के नाम से एक फाइल मिलेगी, और ये फाइल अपने तमाम डिपेंडेंसीज को कंटेन करती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि हमने कंपोजर को कहाँ से एक्सेस करना है और कैसे डाउनलोड करना है। तो डिस्कस करते हैं कि कैसे हम कंपोजर को डाउनलोड करेंगे और उसको हम इंस्टॉल करेंगे। कंपोजर को डाउनलोड करने के लिए आप getcomposer.org की वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पर जब ऐसे ही आप इस URL को एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो नजर आएगा। लारावेल का इस वक्त का जो वर्जन है वो 2.0.8 है, और अगर आप गेटिंग स्टार्टेड पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर उसकी डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट, उसकी इंस्टॉलेशन विंडोज के लिए और लिनक्स के लिए दोनों की गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। हमने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर composer.setup.exe की फाइल नजर आएगी। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी कंपोजर की जो फाइल है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपके पास आपके डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ही ये फाइल डाउनलोड के अंदर अवेलेबल होती है तो अब हम इसकी इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास कंपोजर का सेटअप जो है वो अवेलेबल है। आप इस कंपोजर के सेटअप को स्टार्ट करेंगे तो आपसे वो इसकी परमिशन ग्रांट करेगा। हम इसको रन की ऑप्शन देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछेगा कि आपने इसको यूजर्स के लिए ऑल यूजर्स के लिए इंस्टॉल करना है या सिर्फ आपने अपने लिए, तो हम इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन कंपोजर के सेटअप में हम यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास इंस्टॉलेशन ऑप्शन आएंगी, यहाँ से भी हम नेक्स्ट चले जाते हैं। अब सेटिंग्स चेक के अंदर जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो ये पाथ बिल्कुल खाली होगा। तो आपके सिस्टम के ऊपर अगर PHP इंस्टॉल्ड है तो आप ब्राउज करके php.exe का पाथ सिलेक्ट करेंगे तो वो फाइल यहाँ पर सिलेक्शन में आ जाएगी। मेरे सिस्टम के ऊपर चूंकि कंपोजर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है लिहाजा ये फाइल वैसे ही सिलेक्ट होगी। इससे आगे आपने नेक्स्ट प्रेस करना है और उसका सेटअप कम्प्लीट हो जाएगा। मैं चूंकि कंपोजर ऑलरेडी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किए हुए हूँ लिहाजा यहाँ से आगे का प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। उससे आगे सिर्फ सिंपली आपने नेक्स्ट करना है और आपका कंपोजर इंस्टॉल हो जाएगा। वंस आप सिस्टम पे कंपोजर इंस्टॉल कर लेते हैं तो इस चीज़ को कंफर्म करना कि कंपोजर आपके सिस्टम पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है या नहीं, हम इस चीज़ को चेक करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे।
जब आप कंपोजर इंस्टॉल कर लेंगे तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर कंपोजर लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह की आउटपुट आती है और आप उसको स्क्रॉल अप करके देखेंगे, अगर तो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है, देन इट मींस कि आपके सिस्टम के ऊपर कंपोजर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब अगली चीज है कि कंपोजर की इंस्टॉलेशन के बाद हमने अपने सिस्टम के ऊपर लारावेल को इंस्टॉल करना है। अब देखते हैं कि हम लारावेल को कैसे इंस्टॉल करेंगे। लारावेल इंस्टॉल करने के लिए हम अपने ब्राउजर के अंदर ये वाली URL टाइप करेंगे, laravel.com/docs/8.x। तो लारावेल का इस वक्त जो वर्जन चल रहा है वो 8.8 है। जब हम इसकी इंस्टॉलेशन पर आते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ गाइडलाइन मिलेगी कि हमें लारावेल क्यों यूज करना है, आपको लारावेल एज ए फर्स्ट प्रोजेक्ट यूज करना हो तो कैसे करेंगे। इसकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन पे आप जाएंगे तो आपको वो वाली इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और अब लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास दो तरह की ऑप्शन हैं। आप इंस्टॉलेशन वाया कंपोजर करेंगे, और वो इंस्टॉलेशन ये है कि हम कंपोजर की के जरिए जब इंस्टॉल करते हैं तो हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। यानी अगर आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी PHP भी है और कंपोजर भी इंस्टॉल है तो फिर आप कंपोजर को यूज करते हुए डायरेक्टली एक नया प्रोजेक्ट जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर लारावेल की लोकल डेवलपमेंट सर्वर को चलाने के लिए हमें इसका आर्टिजियन CLI जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो दूसरा तरीका है लारावेल को इंस्टॉल करने का वो है लारावेल इंस्टॉलर को इस्तेमाल। तो फिर अगेन उस केस में आप ये इसकी ग्लोबल इंस्टॉलेशन को यूज करेंगे। आप दोनों में से किसी भी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हम कंपोजर के जरिए इसको इंस्टॉल करते हैं तो हम ये वाली कमांड यहां से कॉपी करेंगे और अब अगेन फिर हमें अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आना पड़ेगा और कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आके हमें अपना वो वर्किंग डायरेक्टरी के जिसके अंदर हमने अपना काम करना है वहां पर आकर हम इस कमांड को रन करेंगे। अब कमांड प्रॉम्प्ट पर जाते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से चला सकते हैं। सो जिस भी डायरेक्टरी के अंदर आपने इसको इंस्टॉल करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ई ड्राइव के ऊपर इंस्टॉल करना था तो मैंने ई ड्राइव के ऊपर आकर कंपोजर प्रोजेक्ट को यूज किया, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल/लारावेल, लारावेल माइनस डेव मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, माइनस प्रेफर माइनस DST। जैसे ही आपको इंस्टॉल करें एंटरप्राइज करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जब आप इस प्रोसेस को करने लगेंगे तो आपका इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डाउनलोडिंग भी होगी और उसके साथ साथ इंस्टॉलेशन भी होगी। पोज के हमने इसको इंस्टॉल्ड कर लिया है तो अब अगला काम इस चीज़ को चेक करना है कि क्या हमारे सिस्टम पर लारावेल सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है कि नहीं। तो फिर अब हम उस चीज को टेस्ट करेंगे। सो आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर लारावेल लिखेंगे और अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह की चीज नजर आएगी तो इट मींस के आपकी लारावेल जो है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हमने अपने लारावेल को इंस्टॉलेशन को उसके जो लोकल डिप्लॉयमेंट सर्वर है उसको हमने स्टार्ट करना है। तो उस काम को करने के लिए हम अपने उस फोल्डर के अंदर जाएंगे जिसके अंदर हमने लारावेल इंस्टॉल किया हुआ था। हमने लारावेल यहाँ पे इंस्टॉल किया है ई ड्राइव में लारावेल माइनस डेव फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर आके आप कमांड लिखेंगे PHP artisan serv। और जैसे ही आप लिखते हैं तो आपका लारावेल का जो डेवलपमेंट सर्वर है वो इंस्टेंशिएट हो जाता है। यहाँ से आपको पता चलता है कि आपका लारावेल जो है वो किस पोर्ट के ऊपर कन्फिगर हुआ है। आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें या इसको मेमोराइज कर लें और आ जाएं अपने ब्राउजर के अंदर। जैसे ही आप अपने ब्राउजर के अंदर आएंगे और उस ब्राउजर के अंदर आके आप लिखेंगे 127.0.0.1:8000 और एंटर प्रेस कर देंगे। अगर आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह की आउटपुट अपीयर होती है, इट इंडिकेट्स कि आपके सिस्टम के ऊपर लारावेल सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। सो जो हमने बात की थी कि लारावेल एक फ्रेमवर्क है जो कि MVC के ऊपर बेस्ड है, जिसे हम कहते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो
इसमें जो चीज अभी आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है ये बेसिकली व्यू है, जो कि व्यू के फोल्डर से एक फाइल वहां पे पड़ी है जिसकी ये आउटपुट आपके ब्राउजर में नजर आ रही है। अभी मैं आपके साथ डायरेक्टिव स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा और वहां पे ये वाली फाइल भी आपको दिखाऊंगा जो आपके सामने आ रही है कि ये कहाँ से नजर आई है आपको। तो अगली बात जो हमने करनी है वो हमने लारावेल की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को बड़े गौर से डिस्कस करना है, ताकि जब आने वाले दिनों में हम मजीद काम करें तो हमें पता हो कि हर डायरेक्टरी का पर्पस क्या है। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ लारावेल। सो अब हम बात करते हैं लारावेल की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। हमारे लिए तमाम फाइल्स के स्ट्रक्चर को या फोल्डर को इस वक्त याद करना या मेमोराइज रखना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम काम करेंगे हमें समझ आ जाएगी। लेकिन अभी हम बात करते हैं कुछ बुनियादी फाइल स्ट्रक्चर के ऊपर जो कि लारावेल की है। तो हमने लारावेल को लारावेल डेव के फोल्डर में इंस्टॉल किया, तो आपको ये कंप्लीट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है नजर आ जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं ऐप की जो डायरेक्टरी है, एप्लीकेशन का जो फोल्डर है, हम अपना जितना भी कोर कोड लिखेंगे एप्लीकेशन का वो हम ऐप के फोल्डर के अंदर ही लिखेंगे। ऐप के फोल्डर के अंदर हमें kernel.php नजर आता है। kernel.php जो है वो कमांड्स को कंटेन करता है, अगर हम कोई अपनी कस्टमाइज कमांड्स ऐड करना चाहें तो इसके अंदर कर सकते हैं। इसी फोल्डर के अंदर हम देखते हैं कि हमें जो मेनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज HTTP। HTTP का फोल्डर है और अगर मैं इस फोल्डर को क्लिक करता हूं तो इस फोल्डर के अंदर मुझे एक सब फोल्डर नजर आएगा दैट इज कंट्रोलर। कंट्रोलर का जो फोल्डर है ये वही मेन फोल्डर है जो कि MVC के अंदर जो सी है दैट इज एक्चुअली द कंट्रोलर। कंट्रोलर जो है वो आपके मॉडल को और व्यूज को कंट्रोल करता है। बुनियादी हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोलर जो है वो एक सेंट्रल पार्ट का काम कर रहा है जो कि मैनेज करेगा व्यूज को भी और आपके मॉडल्स को भी। तो कंट्रोलर के अंदर एक क्लास controller.php ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगर हम इसके कोड की तरफ जाएं तो ये क्लास एक्सटेंड हुई है बेस कंट्रोलर की क्लास से। अब हम जितने भी कंट्रोलर्स लिखेंगे वो बाय डिफॉल्ट इस कंट्रोलर की क्लास से एक्सटेंड हो रहे होंगे। इस HTTP फोल्डर को हम इसके अंदर हमें एक और चीज दैट इज मिडलवेयर। मिडलवेयर का जो फोल्डर है जो आपने अपनी एप्लीकेशन लिखते वक्त जो भी आपने रिस्ट्रिक्शंस लगानी होंगी उसकी जो आपने सेटिंग करनी होगी एडमिनिस्ट्रेटिव के किसको आपने एक्सेस देना है किसको आपने एक्सेस नहीं देना वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम इस मिडलवेयर के अंदर लिखेंगे और हम अपने मिडलवेयर क्रिएट करना भी सीखेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो HTTP को मैं फिलहाल यहाँ से बंद करता हूँ, कंट्रोलर को बंद करता हूँ। देन यू कैन सी कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी नजर आ रहा है, तो इस एक्सेप्शन के अंदर हम यूजली अपनी एक्सेप्शन लिखेंगे। फिर हमारे पास मॉडल्स का फोल्डर है और मॉडल्स के फोल्डर के अंदर हमारे मॉडल एग्जिस्ट करेंगे और एक चीज़ मैं शायद छोड़ गया हूँ यहाँ पर कंट्रोलर और गेस के कुछ 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 कुछ, कुछ, कुछ चीज़ें हैं। ओके एपी के फोल्डर के अंदर वी कैन फाइंड आउट समथिंग लाइक कन्फिग, मैं इसके नीचे है जिसको मैं ढूंढ रहा था। कन्फिग्रेशन का जो फोल्डर है इसको आप देखें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर है। कन्फिग्रेशन का फोल्डर जितने भी आपके प्रोजेक्ट की जो कन्फिग्रेशन होगी उसकी इंफॉर्मेशन को ये कंटेन कर रहा होगा। लाइक आपकी अगर आप इसको गौर करें तो इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन की कन्फिग्रेशन है, ऑथेंटिकेशन है, ब्रॉडकास्टिंग इन्फॉर्मेशन है, डेटाबेस, फाइल सिस्टम, लॉगिंग, मेल क्यू, सेशंस, सो ऑल काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दैट इज कंसर्न्ड विद योर प्रोजेक्ट यू हैव टू डन इनसाइड द कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फोल्डर है, जब आप अपने प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो इसके अंदर आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन को स्टोर। फिर हम देखते हैं ये डेटाबेस का फोल्डर है, इसके अंदर डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन है जो आपने डेटा माइग्रेट करना है या सीड इन करना है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। पब्लिक के फोल्डर के अंदर वो फाइल्स आएंगे जिनको आप किसी फोल्डर के अंदर ना रखना चाहें बल्कि एज ए पब्लिक फाइल रखना चाहें तो इनको हम यहाँ पर रखवा देंगे। ओके, अब इसके अंदर हमने बात कर ली है, कंट्रोलर की भी बात कर ली हमने, मॉडल की भी बात कर ली हमने। अब एक फोल्डर है रिसोर्सेज के नाम से, रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर जो इम्पोर्टेंट फोल्डर है दैट इज व्यूज। तो आपके जितने भी व्यूज हैं
वो इस व्यू के फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करते होंगे। तो यहाँ पे आपको एक फाइल नजर आ रही है welcome.plate.php, तो ये वही फाइल है जब हमने अपने लारावेल को फर्स्ट टाइम ओपन किया था, तो उसके अंदर जो स्क्रीन आपको नजर आई थी, मैं एक बार फिर आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। जो स्क्रीन हमने फर्स्ट टाइम देखी थी, दिस वन, और इस स्क्रीन के ये जो कंटेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली welcome.plate.php की फाइल से आ रहे हैं। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट में जितने भी व्यूज क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। व्यू बुनियादी तौर पे आपकी HTML के कोड को, या आप कहते हैं कि एक HTML की फाइल है, और वो फाइल हम .blade.php एक्सटेंशन के साथ स्टोर करते हैं। अब मैं डेमो करके दिखाता हूँ कि इन फाइल के अंदर हम कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से HTML का और CSS का आइडिया है, तो अगर मैं इस फाइल को स्क्रॉल करूँ तो आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको मोस्टली जो कोड नजर आ रहा है वो HTML का और बूटस्ट्रैप का कोड है, और आपको वो टेक्स्ट भी नजर आ रहा होगा जो आपको आपके ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले होता हुआ नजर आता है। ओके, रिसोर्सेज के बाद एक और इम्पोर्टेंट फोल्डर जो है वो राउट्स का फोल्डर है। आप अपने जितने भी व्यूज क्रिएट करेंगे, जितने भी आप अपने कंट्रोलर्स क्रिएट करेंगे या कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, और पर्टिकुलरली आपके जो कंट्रोलर्स हैं, जो व्यूज हैं, इनको जब हमने एक्सेस करना होगा तो इनके लिए हमें एक राउट डिफाइन करना पड़ता है। राउट क्या है कि हमने बेसिकली इस फाइल को ओपन कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये web.php की फाइल एग्जिस्ट करती है। हम इस फाइल के अंदर राउट्स को डिफाइन करेंगे। अभी आपको लाइन नंबर 17 से लेके लाइन नंबर 19 तक एक राउट नजर आ रहा है, और उसके अंदर व्यू कॉल हुआ है जो कि वेलकम के नाम से है, और ये वही वेलकम की .blade.php फाइल है जो अभी आपके ब्राउजर के अंदर आपको नजर आ रही थी। इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी कि आपके पास राउट्स के अलावा ये composer.json की फाइल है, जिसके अंदर आपकी डिपेंडेंसी जो PHP का डिपेंडेंसी पैकेज है उसकी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। देन यू हैव आर्टिजन, ये आपकी वही आर्टिजन CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस है जिसको हम यूज करते हैं टू क्रिएट द व्यूज कंट्रोलर्स एंड इवन टू स्टार्ट योर लोकल डेवलपमेंट एनवायरमेंट। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने अपना पहला व्यू कैसे क्रिएट करना है। जो पहली चीज हम बात कर रहे थे वो ये है कि रिसोर्सेज के अंदर मेरे पास व्यूज हैं और व्यूज के अंदर welcome.blade.php है। अभी इसी फाइल के ऊपर गौर करते हैं, और मैं आपको पहले इसकी आउटपुट भी दिखा दूं। इसके आउटपुट के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लारावेल लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है, लारावेल न्यूज लिखी हुई है। हम इसमें से किसी भी चीज को मॉडिफाई करके देखते हैं कि क्या हमारी ये वाली जो स्क्रीन है इसके अंदर कोई तब्दीली आती है कि नहीं आती है। तो सबसे पहले तो हम इसी फाइल के अंदर चेंज करके देखते हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स हम देखेंगे कि हमारे रिजल्ट्स पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो लारावेल रोबस्ट इंडस्ट्री, इसको मैं यहाँ से लारावेल्स का वर्ड हम गायब कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना नाम, थोड़ा सा मीनिंगफुल करने के लिए मैंने इसको कुछ ऐसा लिखा है, तो मैंने सेव किया। और हम अपने ब्राउजर के अंदर आते हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। सो यू कैन सी के जो चेंज हमने लिखी थी वो चेंज यहाँ पर हमें नजर आ रही है। सो वेलकम की फाइल सिंपल एक HTML की फाइल है जिसको हमने कॉल किया और फिर उसके अंदर हमने चेंज किए। वापस आते हैं और उस चेंज को हम रिवर्ट कर देते हैं और इसको सेव कर दिए वापस। नो द क्वेश्चन इज कि हम अपना पहला व्यू कैसे क्रिएट करेंगे। तो आप इस व्यू के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे। तो मेरी पहली फाइल है तो मैं इसका नाम रख देता हूँ first.blade.php। तो मैंने इसके साथ .blade.php ऐड किया है। .blade.php आपने हर फाइल के साथ, हर HTML फाइल के साथ ऐड करना है।
और ये क्यों ऐड करना है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे या उससे अगले आने वाले किसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि blade.php क्यों रखा है। एक्चुअली लारावेल के अंदर एक ब्लेड टेम्पलेट इंजन है जो कि इसकी रेंडरिंग को फास्ट कर देता है और आपके प्लेन टेक्स्ट को पीएचपी के कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ कोड लिख के देखते हैं और फिर उसको हम रन करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा, एंटर किया तो हमारा कुछ स्केलेटन जो है वो ऑलरेडी क्रिएट होके इसके अंदर आ गया। अब तक मुझे इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट भी इसके अंदर कुछ लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने एक स्केलेटन एचटीएमएल का जो है वो क्रिएट कर दिया। तो हम सबसे पहले तो इसके अंदर कुछ लिखते हैं एचटीएमएल का कोड। Introduction and then we have paragraph. This is our first lecture on Laravel. That's all. So it's enough. I think ke itni cheeze kafi hain. हमने HTML का एक छोटा सा कोड इसके अंदर ऐड कर दिया। आल तो कि मुझे इन तमाम अगेन मैं कहता हूँ कि अगर मैं डायरेक्टली हेडिंग भी लिखता तो इसने चल जाना था, लेकिन मैंने आपके सामने एक स्केलेटन रख दिया जस्ट टू मेक श्योर कि ये एक HTML फाइल के अंदर हम काम कर रहे हैं और आपको वैसे भी बुनियादी जो स्केलेटन HTML का उसका आइडिया रहना चाहिए कि वो कैसे काम करती है। सो हमारी पहली फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अगला काम हमारा ये है कि हमने इस फाइल के लिए एक राउट क्रिएट करना है और राउट क्रिएट करने के लिए अगेन हमको जाना पड़ेगा routes के फोल्डर के अंदर। अच्छा, इस चीज को टेस्ट कर लेते हैं कि ये फाइल चलती है कि नहीं चलती। ऑब्वियसली ये फाइल नहीं चल रही क्योंकि मैं अगर इसकी स्क्रीन शेयरिंग आपके साथ करता हूँ इसकी लारावेल ब्राउजर की तो आप इसको देखें तो ये नहीं चल रही। ओके, वापस आते हैं और अब अपने उस राउट के अंदर आके हम चेंज करते हैं। तो पहले तो सिर्फ और सिर्फ ये देखें, अगर मैं इस जगह पर वेलकम का वर्ड हटा दूं और यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख दूं, सिर्फ फर्स्ट लिख दूं, इसको सेव कर लूं और अब मैं अगर अपने ब्राउजर के अंदर आके उसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरी जो पहली फाइल है वो इसके अंदर नजर आना शुरू हो गई है। लेकिन हम अब देखते हैं कि हम अपना राउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी, राउट क्रिएट करने के लिए वी विल राइट राउट कॉलन कॉलन व्यू और इस फंक्शन के दो पैरामीटर हैं, इस मेथड के दो पैरामीटर। जो पहला पैरामीटर है वो है इसका URL। सपोज के हम इसका URL देते हैं फर्स्ट and the second parameter is the name of the view. तो हमने जो view create किया है उसका नाम है first. अच्छा, इन दोनों का सेम होना जरूरी नहीं है, ये दोनों मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ चूंकि ये मेरा पहला व्यू है और उसका मेरा पाथ भी मैंने कहा कि फर्स्ट है तो इसका नाम फर्स्ट रख दिया। अदरवाइज आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये उस नाम के साथ भी चलेगा। तो अब हम चलते हैं दोबारा से अपने ब्राउजर के अंदर और ब्राउजर के अंदर जाके हम देखते हैं कि ये एक्सेस होता है कि नहीं। एक तो मैं पहले इसको चलाता हूँ तो मेरा वही पहली फाइल वापस आ गई। URL ये है कि आपने इस पाथ के आगे अपना URL एंटर करना है फर्स्ट। तो नाउ मेरा पहला व्यू जो मैंने क्रिएट किया है वो मेरे अपने डिफाइंड पाथ के साथ भी चल गया। और जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम इसका URL नेम वही रखें जो कि हमारी फाइल का नाम है, तो उस चीज को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो उस केस में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर, तो इसको मैंने सेव किया और अब मैं अगर वापस ब्राउजर के अंदर आता हूँ और अगर मैं इसको चलाने की कोशिश करूंगा तो हमें ऑब्वियसली 404 फाइल नॉट फाउंड का एरर मिला क्योंकि ये URL अब एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैंने जो नई URL बनाई है दैट इज यूजर, एंटर करता हूँ तो मुझे वो फाइल वापस मिल जाती है।
ओके, एक और तरीके से भी चेक करते हैं कि हम इस काम को कर सकते हैं, और वो तरीका ये है कि सपोज के जो चीज़ मैंने पहले यहाँ पे लिखी थी, इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग एंड आइडिया। और यहाँ पर जो ये जो स्लैश इंडिकेट करती है, ये रूट को इंडिकेट करती है। अगर इस रूट से आगे मैं कोई पाथ देना चाहूँ तो वो पाथ हम यहाँ पर देंगे। मैंने पाथ का वर्ड यूज़ कर लिया है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। और जब मैं इसको दोबारा से चलाऊंगा, अब मेरे पास एक ही व्यू के लिए दो डिफरेंट जो पाथ हैं ये यूआरएल एग्जिस्ट करती हैं। तो इसको हम चला के देखते हैं। अगर मैं इस जगह पर यूजर की जगह पाथ लिख दूं, तब भी मेरे ब्राउजर में यही आउटपुट मुझे मिलेगी। और अगर आप इसकी जगह यूजर लिख दें, तब भी आपको यही आउटपुट मिलेगी। तो ब्राउज़र पे राउट के अंदर हम जब व्यू को कॉल करते हैं तो हम यूआरएल देते हैं। अभी मैंने इसकी यूआरएल ये दी है। अगर आपका कोई फोल्डर अपना फोल्डर एग्जिस्ट करता होगा तो आप उसका पाथ भी दे देंगे, लेकिन ये राउट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है कि रूट से आगे उसका पाथ क्या होगा, और ये है व्यू का नाम। सो दो आर्गुमेंट्स हैं, पहला है यूआरएल और दूसरा है व्यू का नाम जिसको हम कॉल कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि अब हम इस व्यू को जो हमने कॉल किया, हम इसको यूआरएल से डेटा भी पास कर सकते हैं। अच्छा, ये डेटा अभी हम यूआरएल से पास कर रहे हैं, और फिर हम आने वाले वीडियोस के अंदर ये भी देखेंगे कि ये डेटा यूआरएल से नहीं बल्कि ये किसी कंट्रोलर से भी आ सकता है। अभी सिर्फ समझाने के लिए कि हमारा व्यू डेटा रिसीव कर सकता है, मैं अपने इस पाथ के अंदर एक वेरिएबल ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नेम। अब ये जो नेम है, ये यूआरएल जब मैं दूंगा, तो अभी मैं अगर इसको चलाता हूँ तो आप सिर्फ इस चीज को गौर करें कि ये यूआरएल चलती है कि नहीं चलती। तो जैसे ही मैं अपने ब्राउजर को ऑन करता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मैंने इस फाइल को आई थिंक सेव नहीं किया, सॉरी ये यूजर है, सॉरी मैंने पाथ वाले को चलाना है, पाथ। तो मुझे अगेन 404 वाला एरर जो है वो मिला है। इसकी वजह ये है कि अब मेरे पाथ के आगे स्लैश चल के एक मैंने एक आईडी रखी है जो कि यूआरएल से डाटा रिसीव करेगी, और वो डाटा फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि जी आतिफ इसहाक मेरा नाम, एंटर किया तो मेरी फाइल चल गई। लेकिन ये जो मैंने यूआरएल पे डाटा एंटर किया, ये एक्चुअली रिसीव कहाँ पे होगा? इसको रिसीव करने के लिए आप अपने उसी web.php की फाइल में आएंगे, अपने इस फंक्शन के अंदर आप एक आर्गुमेंट देंगे डॉलर नेम, और ये डॉलर नेम जो है ये आर्गुमेंट यहाँ पर रिसीव होगा आपकी जो फंक्शन आपने सेकंड पैरामीटर में क्रिएट किया उसके अंदर। देन आप कहते हैं कि रिटर्न व्यू, और व्यू के अंदर अब पहला आर्गुमेंट मैंने दे दिया हुआ था, अब इसके अंदर मैं एक दूसरा आर्गुमेंट ऐड करता हूँ जो कि एक एरे की फॉर्म में है, दैट इज नेम, और उसको मैं कहता हूँ डॉलर नेम। ठीक है, तो इसको मैंने सेव किया। यहाँ पर जो ये वाला नेम इज इक्वल्स टू डॉलर नेम है, ये एक्चुअली एरे का इंडेक्स का काम कर रहा है, और ये जो डॉलर नेम है ये वो आर्गुमेंट है जो कि यहाँ पे रिसीव हुआ है, और एक्चुअली इस पाथ से जो हम इस नेम को एंटर करेंगे वो इस फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर रिसीव होगा और फिर उस व्यू के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम वापस अपने इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और अपने ब्राउजर को हम एक दफ़ा फिर ओपन करते हैं, और उस ब्राउजर के अंदर अब हम देखते हैं कि अगर तो मैं इस जगह पर कोई वैल्यू एंटर कर देता हूँ तो ओके, अगेन जो चीज़ अभी हमने स्किप की है वो ये है कि मैंने इसको कॉल तो कर लिया, लेकिन इसको डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे? इसको डिस्प्ले करने के लिए मुझे बुनियादी तौर पे जाना है अपने उस व्यू के अंदर, और मेरा जो फर्स्ट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी की फाइल है उसके अंदर हम कहते हैं कि मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की जगह अब लिख देता हूँ
welcome or now this here we have to make use of dollar name. So वेलकम के आगे डॉलर नेम लिखा है और ये डबल एंगल ब्रैकेट्स हैं, ये एक्चुअली क्या करती है, ये आपका जो डेटा है यूआरएल से उसको उसने डिस्प्ले किया है और ये ब्लेड टेम्पलेट की वजह से ही पॉसिबल है। वैसे यूजुअली जब हम पीएचपी के अंदर काम करते हैं तो हम एको की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए, लेकिन अब लारावेल के अंदर हमें एको या प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ नहीं करना पड़ती, हम डबल एंगल ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वो स्क्रीन के अंदर प्रिंट हो जाता है। अब आप इसको कोई भी नाम पास करेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सो पहली चीज ठीक है, सो हमने मुख्तलिफ नाम एंटर किया, सो ये यू आर एल के थ्रू हमने अपने व्यू को डाटा भेजा, लेकिन ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम व्यू को कैसे डाटा पास कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका डाटा जो है वो यू आर एल के जरिए ही जाए, आपका डाटा कंट्रोलर के थ्रू भी आ सकता है। तो आने वाले वीडियोज के अंदर हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि आपका डाटा कंट्रोलर के जरिए किस तरीके से पास होगा। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने लारावेल को किस तरीके से इंस्टॉल करना है और उसके बाद हमने जो पहला व्यू क्रिएट किया है वो कैसे करना है। आने वाली वीडियो के अंदर अब हम बात करेंगे कंट्रोलर्स के ऊपर, कंपोनेंट्स के ऊपर, और फिर हम देखेंगे कि इसका ब्लेड टेम्पलेट क्या काम करता है। सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, एंड आई होप यू विल गिव मी द फीडबैक फॉर prepare my upcoming videos. Thank you very much.